अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कुकिंग विद अकी में आप सबका स्वागत है। हम वो इंसान हैं जिसे गाजर अच्छे नहीं लगते, लेकिन गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता है। संयम की चाबी से खुले इश्क का खजाना, जैसे गाजर का हलवा धीमी आंच पे पकाना। ठंड के मौसम में मिलने वाली लाल गाजर का हमें पूरा साल इंतजार करना पड़ता है। तो फिर चलिए आज हम बनाते हैं शाही गाजर का हलवा। ऐसे ही नई रेसिपीज के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ हमने ले लिए हैं फ्रेश लाल गाजर। लाल गाजर टेस्ट में बहुत ही मीठे होते हैं। अब हम एक पीलर की मदद से सारे गाजर को हम अच्छे से छील लेंगे। छीलने के बाद हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद हम इसे आगे से कट कर लेते हैं। और ये बहुत ही लंबे गाजर है तो इसे मैं बीच में से कट कर लेती हूँ। सारे गाजर को हाफ कट कर लेती हूँ ताकि हमें इसे कद्दूकस करने में आसानी हो। अब हम एक ग्रेटर की मदद से गाजर को कद्दूकस कर लेते हैं, ग्रेट कर लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी लंबी सी हमारी छीन हुई है। और ये जो येलो पार्ट होता है इसे हमें निकाल देना है। सारे गाजर को कद्दूकस कर लिए हैं। ये तकरीबन 3 कप श्रेडेड गाजर है। अब एक बड़े पैन ले लेते हैं, मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेते हैं। गरम पैन के अंदर हम ज़ाफ़रान यानी कि केसर, इलायची के दाने और कद्दूकस किए हुए गाजर को ऐड कर देते हैं। 2 मिनट के लिए हम गाजर को सौते कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करते हैं 4 कप दूध। यहाँ मैंने फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसमें क्रीम यानी कि मलाई भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब इसे ढक्कन लगाकर 40 से 45 मिनट तक इसे पकाइए। बीच में 1-2 बार मरतबा हम इसे हिलाते रहेंगे। 45 मिनट के बाद देखिए हमारा दूध जो है वो खोया बन चुका है और गाजर अच्छे से गल चुके हैं। और देखिए एकदम अच्छी सी कंसिस्टेंसी आ गई है। अब एक दूसरी पैन के अंदर हम ले लेते हैं 1/2 कप घी। घी को मीडियम फ्लेम पे हम मेल्ट होने देते हैं। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करते हैं बादाम और केसर। अच्छे से इसे रोस्ट कर लीजिए, हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। और घी का तड़का हम हलवे में ऐड कर देते हैं और 5 मिनट के लिए इसे हम अच्छे से घी के अंदर पकाएंगे ताकि सारा घी का स्वाद जो है वो गाजर के अंदर आ जाए। अब हम इसमें ऐड करते हैं 3/4 कप चीनी। शुगर को मेल्ट होने तक और हमारा हलवा घी छोड़ दे तब तक हमें इसे पकाना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसे ऐसे ही हिलाते रहना है। देखिए हमारे हलवे ने घी छोड़ दिया है, यानी हमारा हलवा बनके तैयार है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं इलायची पाउडर और आखिर में हम ऐड करते हैं 1 चुटकी नमक। नमक ऐड करने से सारे फ्लेवर्स अच्छे से बाहर निखर कर आते हैं और हमें मुंह में सारे फ्लेवर्स का स्वाद आता है।
देखिए हमारा शाही गाजर का हलवा बनके तैयार है। चलिए अब हम सर्व कर लेते हैं। दिल खुश हो जाता है जब कोई ठंड के मौसम में गर्मा गर्म गाजर का हलवा खिला देता है। सही बात है ना? तो फिर चलिए आप भी बनाइए, आपके परिवार को खिलाइए, सबको खुश रखिए और मुझे आप सबकी दुआओं में याद रखिए। से बादाम से गार्निश कर लिया है गाजर का हलवा, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। यहाँ पे आप चाहे तो खोया भी ऐड कर सकते हैं, मगर हमने दूध को उबाल उबाल कर खोए जैसा ही बना लिया था, तो खोए जैसा स्वाद हलवे में आ गया है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये सबसे अलग रेसिपी है, झटपट से बनने वाली है मगर संयम के साथ। चलिए तो फिर आप भी बनाइए और खुश रहिए। मुझे आप इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।